Dear students, in this module, we are going to discuss the population composition and population density. Population composition refers to the distribution of demographic characteristics within a population, such as age, gender, race, and ethnicity. Whereas, population density refers to the number of individuals लिविंग within a defined geographic area. एरिया पॉपुलेशन की कंपोजिशन देखने के लिए हमें पॉपुलेशन के मुख्तु करेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ता है किसी भी जियोग्राफिक एरिया बाउंड्री या टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन कितनी डायनामिक है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्या फ़ीचर्स हैं मिसाल के तौर पे मेल फीमेल की क्या कम्पोजिशन है उनके ऐज ग्रुप्स जो हैं वो एज डिफरेंट एज कोहर्स जो हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मर्द कितने हैं ख़ात कितनी हैं और बच्चे कितने हैं बूढ़े कितने हैं यंग पॉपोलेशन कितनी है इन सब के अंदर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कितनी है डिपेंडेंट पापुलेशन की क्या तादाद है तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिल के पॉपुलेशन को कम्पोज करते हैं इसके साथ साथ अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें ये समझने में मदद देती है कि किसी एक ख़ास ज्योग्राफिक एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की तादाद कितनी है मिसाल के तौर पे जो पर स्क्वेयर किलोमीटर कितने लोग आबाद हैं तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पापुलेशन कितनी गुंजान आबाद है या वो एरिया या वो सिटी जो है वो कितना गुंजान आबाद है इन दोनों एस्पेक्ट्स के जो हैं वो डिफरेंट रिप्रिकॉशनस होते हैं इस वजह से इनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है मिसाल के तौर पर हमें लेबर uh, पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करने के लिए हमें अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करने के लिए जो डिफरेंट पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी होता है इसीलिए हमें हर दस साल के बाद जो है वो एक सेंसस करना होता है ताकि हम अपनी पॉपुलेशन के ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी बुनियाद के ऊपर डिफरेंट स्टेटस्टिक्स को कंपाइल कर सकें इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि कोई इलाका कितना गुंजान आबाद है जो इलाका जितना ज़्यादा गुनजान आबाद होता है उसके मसाइल भी उसी नोयत के होते हैं मसलन हम अगर पापुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर पापुलेशन जो है वो हाईली डेंस होती है नस्बता रूरल एरियाज़ के रूरल एरियाज में पापुलेशन डिस्पर्सड होती है रिलेटिवली स्कैटर्ड होती है जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर पापुलेशन जो है बहुत कंजस्टेड होती है जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है कराची है कोयटा है पिशावर है इस्लामाबाद है तो इन सिटीज़ के अंदर जो पापुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है नस्बता छोटे शहरों के यानी पर स्क्वेयर किलोमीटर रहने वाले लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है नस्बता बाकी शहरों के इसी तरह से इनके मसाइल जो हैं वो भी इस पापूलेशन डेंसटी की वजह से मसाइल की नोयीत भी मुख्त होती है सो इन पाकिस्तान पापुलेशन कम्पोजिशन वेरीज़ वाइडली बाई रीजन and is influenced by the factors such as cultural norms economic development and migration patterns and population density is highest in urban areas particularly in major cities such as Karachi and Lahore understanding the population composition and density is essential for analyzing social and economic trends as well as for planning infrastructure and public services तो हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी होती हैं गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनानी होती है उन सब का दारोमदार जो है वो इन पॉपुलेशन के करेक्टरस्टिक्स के ऊपर होता है मिसाल के तौर पे ये देखा जाता है कि अगर किसी ख़ास इलाके के अंदर यंग पापुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है हमें उसी हिसाब से नंबर ऑफ स्कूल्स भी रिक्वायर्ड होंगे इसी तरह से अगर ये देखा जाए कि यहाँ पर प्रोडक्टिव पापुलेशन ज़्यादा है तो हमें हाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसी हिसाब से रिक्वायर्ड होंगे तो एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स या नंबर ऑफ ओल्ड हाउसेस जो हैं उनकी तादाद उसके मुताबिक वहाँ पे बनानी पड़ेगी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड डेंसिटी रिक्वायर्स आ मल्टीडिसप्लिनरी अप्रोच इनकॉपरेटिंग परस्पेक्टिव फ्राम सोशियोलॉजी जोग्राफ़ी एंड डेमोग्राफी सोशोलॉजि का रोल इसमें यह है कि वो देखेगा कि कैसे ये पॉपुलेशन डायनामिक्स जो हैं लोगों के बिहेवियर और लोगों के इंटर रिलेशनशिप के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं जोग्राफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाएगा कि किस मखसूस एरिया के अंदर किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और इसी तरह से हम डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि डेमोग्राफिक करेक्टरस्टिक्स का स्प्रेड जो है वो क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं और ख़ास तौर पर स्टेटस्टिकल कम्पोजिशन किस तरह की है ताकि उसके मुताबिक या उसकी बुनियाद के ऊपर सोशल पॉलिसी को मुरतब किया जा सके So, by analyzing the complexities of population composition and density, we can gain a deeper understanding of the ways in which social and economic factors influence the demographic trends. Understanding can inform policy decisions related to healthcare, education, and social welfare. In Pakistan, for example, the population composition and density are critical factors for understanding and addressing the issues such as poverty, health disparities, and resource allocation. so accurate data collection and analysis are necessary for effective policy making related to population composition and density. so it's a food for thought for you that you need to understand the population dynamics by analyzing them from these factors' point of view.